गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम वापस पिडिलाइट के कोई चीज बनाएंगे और आप लोगों को जैसे मुझे पर्सनल नंबर पेज पर सेंड करते हो वैसे ही सेंड करना है, और दूसरा पिडिलाइट के मैंने जो लिंक दी है उसमें सेंड करना है। आज पिडिलाइट में हम मेमोरी बॉक्स बनाएंगे। हमारी कुछ मेमोरी होती है जिसके वो लिख के हम जिस बॉक्स के अंदर हम रखते हैं उसको मेमोरी बॉक्स बोलते हैं। ओके, तो मैंने सबसे पहले तीन ऐसे रेक्टेंगल पेपर लिए हैं। यहाँ की साइज 13 सेंटीमीटर है और यहाँ की 20 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल है, वैसे इससे मैंने दो रेक्टेंगल लिए हैं और एक दूसरा छोटा रेक्टेंगल लिया है। उसकी साइज है यहाँ की 10 सेंटीमीटर और यहाँ की 20 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसको ओके, ये तीनों साइज सेम हो गई। ओके, हमें लंबी लंबी ऐसी स्ट्रिप लेनी है और उसमें फेविकॉल लगाना है। फेविकॉल सब जगह पे लगना चाहिए और ये स्ट्रिप को जैसे हमने ये दो सेम लिए थे उसको अच्छी तरह से ऐसे जॉइंट करना है। ओके, ये कैसे जॉइंट हुआ वैसे हमें जॉइंट करना है, और एक जो छोटा पार्ट है उसको भी जैसे हमने ये जॉइंट किया वैसे ही जॉइंट करना है। ओके, यानी कि यहाँ से थोड़ा सूखने का वेट करेंगे। ओके, अब यहाँ से जहाँ से ये हुआ वहाँ बीच में से ऐसे हम फोल्ड करेंगे। और एक ये सूखा नहीं अभी, उसका वेट करो सूखने का। और इसको भी हम ऐसे जॉइंट करना है जैसे हमारा ट्रायंगल जैसे बॉक्स बना वैसे बॉक्स बनाना है। ये हमारा अब ऐसे ही हमें ये वापस ऐसे जॉइंट करना है।
ये हमारा ऐसा बॉक्स रेडी हो गया है। अब हमें ये साइज के दो ट्रायंगल कट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक और पेपर लेके इसको ऐसे रख के हम ड्रॉ करेंगे। ओके, अब अच्छी तरह से हमें ये पॉइंट मिल गए हैं। और ऐसा भी कर सकते हो आप, यहाँ पे ग्लू लगा के इसको ऐसे भी चिपका सकते हो और सूखने का वेट करो। ओके, और बाद में इसको काटो। मैं पहले ट्रायंगल कट करूंगी, उसके बाद उसको चिपकाऊंगी। ये सूखने का वेट करेंगे, तब तक आगे हम करते हैं स्ट्रॉ। जितने साइज का है उतने साइज की स्ट्रॉ लेनी है और ऊपर की साइड ऐसे स्ट्रॉ को चिपकाना है। उससे पहले कोई भी थ्रेड लेके हमें, आप कोई भी कलर का बना सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप यही कलर का बनाओ। थ्रो के साथ हम एक थ्रेड को बांधेंगे और जो साइड हमें ओपन रखनी है उस साइड थ्रेड रखेंगे। मैंने ये साइड ओपन रखी है, उस साइड हम थ्रेड रखेंगे और इसको स्ट्रो को ऐसे चिपका देंगे थ्रेड के साथ।
ओके। ऐसे स्ट्रॉ शेप करने के बाद अब हम स्टैंडिंग में साइज लेंगे। स्टैंडिंग में जितनी साइज है उतनी साइज का हम चार टुकड़े करेंगे। कितने? फोर टुकड़े करेंगे। और इसको हम ऐसे चिपकाएंगे यहाँ पे। ओके, तब तक ये सूख जाए तब तक हम इसी साइज के फोर टुकड़े करेंगे। आप कोई भी कलर का बना सकते हो, कोई भी कलर की स्ट्रॉ ले सकते हो, पर मेमोरी बॉक्स आपको बनाना है। ओके, अब ये जो पार्ट बचा है यहाँ भी थोड़ा हम ग्लू लगाएंगे। सब जगह पे ऐसे और वहां पे हम स्ट्रॉ को चिपकाएंगे। ये सूखने में टाइम लगता है इसलिए आप शांति से काम करना। ओके, ऐसे सब जगह पे ये चार तीनों जगह पे हमें स्ट्रॉ लगानी है और इस जगह पे हमें स्ट्रॉ लगानी है और लास्ट में मैंने ऐसा स्टिकर बनाया है। आप कोई भी कलर का स्टिकर बना सकते हो। वो स्टिकर को आपको इसके ऊपर ऐसे चिपकाना है। ओके, अब आपको जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल चिपकाया वैसे ही ट्रायंगल यहाँ पे चिपकाना है, पर आपको पूरा बंद नहीं करना है। आप लोगों को ओनली एक साइड ही बंद करना है। तो पहले हम वो कर लेते हैं। ओके, अब इस ट्रायंगल को हम कट करेंगे। ये ट्रायंगल
हम यहाँ पे चिपकाएंगे, पर पूरा बंद नहीं करना है, हमें एक ही साइड ही बंद करना है। जैसे हमने ये तीन जगह जैसे हमने जॉइंट की थी, वैसे ही हम फेविकॉल लगा के ये ट्रायंगल भी हम जॉइंट करेंगे। ट्रायंगल को सूखने के बाद हम अंदर की साइड हम फोल्ड करेंगे। अभी ये सूखता नहीं है, टाइम लगेगा आप लोगों को। ये पूरा सूखने के बाद जैसे हम मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्रॉ लगाई है, जैसे ये तीन साइड स्ट्रॉ लगानी है। पूरा थोड़ा सूखने के बाद मैं आप लोगों को पूरा बना के फोटो भेजूंगी। अभी ये सूखने का वेट करेंगे, तब तक टाइम निकल जाएगा। ओके, तो फिर हमें क्या करना है वापस मैं बोल देती हूँ। दो रेक्टेंगल लेना है, वो साइज 20 और 30 की है, और ये साइज 9 और 20 की है। ओके, ये दोनों हमने तीनों जॉइंट किए हैं और ये ट्रायंगल जैसा बना है। एक साइड मैंने ट्रायंगल पूरा पैक कर दिया है, एक ट्रायंगल मैंने ओपन रखा है। यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे चिपक जाने के बाद, क्योंकि अभी मैं फोल्ड कर रही हूँ तो ये निकलता जा रहा है। ओके, ये दरवाज़ा हमें खुला रखना है। और ये थ्रेड हमने क्यों लगाई है कि हम कुछ यहाँ ऐसे हैंगिंग करके इसको कहीं पे लगा सकते हैं, और हमारी कुछ मेमोरी हो तो उसमें डाल के ये दरवाज़ा उसका बंद करना है। इसको हम मेमोरी बॉक्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने स्ट्रॉ चिपकाई, यहाँ पे अब यहाँ पे भी चिपकानी है, यहाँ पे भी चिपकानी है। और ये हमारा, मैं अभी ऐसे लटकाऊंगी तो ये स्ट्रॉ निकल जाएगी क्योंकि अभी सूखा नहीं है। आप लोगों को ऐसे हाथ में पकड़ के मुझे फोटो भेजना है, ये दरवाज़ा खुला हो ऐसा थोड़ा फोटो भेजना है। ओके, आप लोगों को ऐसे स्ट्रॉ भी लगानी है और ऐसे बॉक्स भी रेडी करना है। मैं आप लोगों का पूरा बॉक्स रेडी करके फोटो भेज रही हूँ। ओके।